चार बनने की याचिकाएं खारिज। जिला जज ने सारे प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है, तो पक्षकार बनने की जो याचिकाएं हैं वो खारिज कर दी गई हैं। जिला जज ने सारे प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है। 82 ग पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, यहाँ सारी जो याचिकाएं थी वो खारिज की गई है पक्षकार बनने की? हाँ बिल्कुल ऐश्वर्या, आपको बता दूं कि 16 लोगों के द्वारा ये पक्षकार बनने की याचिका डाली गई थी, जिसके दौरान लंबी सुनवाई चली, लगभग 2 हफ्ते सुनवाई चली। उसके बाद आज आदेश आना था, आज जिला जज ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि जिला जज ने ये साफ साफ कहा कि यदि न्यायिक कार्य में इतने लंबे लोग जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं न्याय करने में अवरोध उत्पन्न होंगे, तो आप यदि जुड़ना चाहते हैं या आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप लोग जो वादनी है उन वादनी के तहत जुड़ के अपनी बात को कह सकते हैं। वही 82 ग यानी कि पश्चिमी दीवार पर जो सर्वे रुका था, कमीशन की कार्रवाई जो रुकी थी, उसको लेकर 21 अक्टूबर को सुनवाई होगा, जिसमें मुस्लिम पक्ष के लोग आपत्ति प्रकट करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वीडियोग्राफी की मांग पर सुनवाई 21 अक्टूबर को होनी थी, अब जिला जज ने सारे प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वाराणसी से। यहां पक्षकार बनने की याचिकाएं जो हैं वो खारिज की गई हैं। यहां पर जिला जज ने सारे प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर वाराणसी से। 82 ग पर अगली सुनवाई अब 21 अक्टूबर को होगी। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार की वीडियोग्राफी की मांग की गई थी, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियोग्राफी की मांग पर सुनवाई 21 अक्टूबर को, जिला जज ने सारा प्रार्थना पत्रों को खाली किया है। बड़ी खबर हमें मिल रही है वाराणसी से, पक्षकार बनने की याचिकाएं खारिज की गई हैं।